Μόλις μόλις έμαθουν στον αέρα δίδυμα. Σαντορίνη. ये वो ग्रीक आइलैंड है जिसका सनसेट देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं इंक्लूडिंग अस वी आर इमी तानी एंड इनू एंड वी एब्सोल्युटली लव टू ट्रैवल पिछले कुछ महीनों से हम यूरो ट्रिप कर रहे हैं एंड बैक व्हेन वी वर इन टर्की वी हैड नो आइडिया वी वुड एंड अप कमिंग टू ग्रीस जो लोग टर्की आ चुके हैं बिलखुसूस बोर्डम उन्होंने यही कहा है कि भाई ये ग्रीस है so, जब हमारी शादी हुई आई वाज लाइक तानी मैंने एक दफा तो सैंटोरिनी जाना ही जाना हाँ ये हमेशा पीछे पड़ी रहती है Because उधर की walls white and it's like absolutely gorgeous. Since visiting Bodrum, हमने 10 ट्रेनें और 3 जहाज पकड़े हैं और ये आखिरी फ्लाइट हमें अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पे लेके जाने वाली है लेकिन ऑफ कोर्स अगर 4 AM स्टार्ट ना हो तो मजा थोड़ी आता है हमें सो वी आर अबाउट टू कैच अ वेरी ड्रीमी सनराइज फ्लाइट तो फ्लाइट बोर्ड कर लिया है सामान रख दिया है सीट्स पे बैठ चुके हैं ग्रीस आ रहे हैं हम लोग अगर मैं ये बोलूं कि ये फ्लाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई एक अंडरस्टेटमेंट होगी द फ्लाइट फ्रॉम एथेंस टू सैंटोरिनी इज जस्ट अबाउट 45 मिनट्स हमारा पूरा वक्त बाहर का सनराइज अडोर करते हुए गुजर गया एंड बिफोर वी न्यू इट वी हैड ऑलरेडी लैंडेड वेलकम टू सैंटोरिनी प्लीज कीप योर सीट फास्ट तो हम लोग इस वक्त सैंटोरिनी पहुंच चुके हैं हाँ तो इम्तिसाल की बचपन से ख्वाहिश थी बल्कि मेरे ख्याल से आरजू थी कि ये एक दफ़ा ज़िंदगी में इसको मौका मिले और ये ग्रीस आए और ग्रीस आने के बाद ये सबसे पहली जो जगह विजिट करे वो सैंटोरिनी हो और आज मेरे ख्याल से वो ख्वाब वो सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी हो गई हैं जो उसके जहन में थी और ये बचपन में मुझे याद है कि ये इसकी अम्मी बताती हैं कि ये बुक के ऊपर पोस्ट कार्ड और पता नहीं इस तरह की स्टैम्प्स और ये सारी चीज़ें लिखती थी और आज वो ख्वाब जो है वो पूरा हो चुका है कैसा लग रहा है इम्तिसाल अच्छा मुझे भी ग्रीस बहुत पसंद था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे इतने आइलैंड्स हैं मतलब यहाँ पे तकरीबन 1000 से ऊपर आइलैंड्स हैं छोटे छोटे जजीरे हैं तो टर्की जाने के बाद बोड्रम फेती है और ये सारी जगहें करने के बाद मुझे लगता था कि यार वैसे ही होगा थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा लेकिन भाई यहाँ की तो अलग ही बहुत अलग वाइब है मतलब जहाज से लोग ऐसे उतर रहे थे जैसे मतलब किसी ने जेल तोड़ दिया और उसके बाद सारे कैदी जो है वो एक के पीछे एक करके भाग रहे हो लेकिन यहाँ की जो हवा है वो नहायत मीठी हल्की ठंडी है वैसी ठंडी नहीं है जैसे हमें बाकी मुल्कों में यूरोप के मिली थी I wish I could ride one of these, but not with a baby. Let's go to our car. सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें जाना है रेड बीच क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता सैंटोरिनी आए और बीच ना जाएं. तो यहाँ का एक रेड बीच है जो कि बहुत मशहूर है और सैंटोरिनी के बिल्कुल मेरे ख्याल से बॉटम पे है तो अभी हम लोग बिल्कुल सेंटर में मौजूद हैं जिस जगह का नाम है फीरा तो फीरा से हम लोग जाएंगे बिल्कुल नीचे की तरफ सैंटोरिनी के उसके बाद हम लोग ऊपर आएंगे और वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत बहुत खामोश तबीयत लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं जिसका नाम है इमर विगली इस बार हम किया जाएंगे तो शाम में सनसेट हम किया में देखेंगे उससे पहले हमने यहाँ पे गाड़ी जो है वो हायर आउट कर ली है अच्छा जो एक बात बताना बहुत ज़रूरी है वो ये कि अगर आप लोग कभी भी सैंटोरिनी आते हैं और गाड़ी रेंट आउट करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना है और वो ये कि गाड़ी जो है वो बहुत एहतियात से बहुत देखभाल के चलानी है क्योंकि यहाँ पे आपको सिग्नल्स नहीं मिलेंगे सड़कें जो है वो बहुत तंग है नैरो हैं और यहाँ के जो लोग हैं जो लोकल्स हैं वो रफ ड्राइविंग करते हैं So as Tani mentioned before, there are plenty of ways to get around the island. आप गाड़ी हायर कर सकते हैं ATV हायर कर सकते हैं वॉक कर सकते हैं ऊबर कर सकते हैं लेकिन एक जो तानी भूल गया बताना इसके आप गधे की सवारी भी ले सकते हैं Yes, you can ride a donkey around the island if you want. But I don't recommend that either. गाड़ी कर लें अच्छे रहेंगे और व्यू देखें it's really good. फीरा टू रेड बीच की ड्राइव 25 मिनट्स की है लेकिन आई कैन गारंटी यू आपको इससे ज़्यादा लगेंगे मेनली बिकॉज हर थोड़ी थोड़ी देर बाद आपका दिल करेगा रुके लाइक वी डिड कभी कोई क्यूट कैफे आ जाता है और कभी कोई लुकआउट स्पॉट एंड द ड्राइव इज एब्सोल्युटली स्टनिंग बिकॉज वी आर ड्राइविंग जस्ट अलॉन्ग द ओशन चलें फिर रेड बीच चलते हैं
और वाकई में मतलब देखने में तो बहुत ही कमीना लग रहा है यार, मतलब बहुत जोरदार लग रहा है। लोग यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं और कुछ लोग जो है उन्होंने यहाँ पे मेरे ख्याल से यार्ड्स और क्रूजेस होती हैं वो हायर आउट की हुई है, उसके ऊपर पिकनिक कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं। और हम लोग नीचे जाते हैं, चेक करते हैं कि क्या कह रहा है कमीना बीच हमसे। Let's walk. It's not too far. It's like 4 minutes to get there. तो बिल्कुल रेड बीच के साथ उन्होंने एक छोटा सा क्यूट सा कैफे बनाया हुआ है और इंतजार ने वहां से अमेरिकानो लिया है। Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you, falling in love. भैया आम तौर पे हमारे दिन की शुरुआत जो है वो गर्मा गर्म कॉफी के कप से होती है, लेकिन इस तरह की जगह हो ना, मतलब रेड बीच हो और सेंटरिनी हो, तो मेरे ख्याल से कॉफी जो है वो भी हम डिले कर सकते हैं। लेकिन वेट, सो दिस बीच इज एक्चुअली द मोस्ट विजिटेड बीच इन सेंटरिनी, और मेनली इसकी वजह ये है बिकॉज ये बहुत यूनिक है। एक तो जो यहाँ पे सैंड इज ब्लैक एंड राइट बिहाइंड अस इज द वोल्केनिक रेड रॉक व्हिच इज लाइक रियली क्रेजी बिकॉज यहाँ पे एक एक्टिव वोल्केनो भी है सेंटरिनी में और इसका पानी टील है। सो दिस इज एक्चुअली द परफेक्ट प्लेस, कम फॉर स्विम, ले डाउन, कॉफ़ी पिए, अल्टीमेट चिल। और सेंटरिनी में लोगों को लगता है कि सिर्फ वो ईया है विद द हाउसेस, नो, दिस इज द अदर साइड ऑफ इट एंड नाउ वी आर गोना गो टू दैट साइड। सो अबाउट अ 30-minute ड्राइव फ्रॉम रेड बीच इज इमरविकली, और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे कैफेज हैं जो कि वाटर फ्रंट है। सो वी आर गोइंग टू गलीनी कैफे जो कि सामने है। Let's go inside and have some brunch. So, हमने ब्रंच के लिए अंडे मंगवाए because we absolutely love eggs. So for an hour we just got sunny side up. और ये salad इन्होंने बड़े तमीज से बड़े प्यार से रखी है, looks like a flower. And me and Tani got this one called a royal. It's like smoked salmon or hollandaise sauce और साथ toast है, coffees हमारी आ रही हैं। Remember we said this morning कि हमने कॉफ़ी नहीं पी? Well, we actually wanted a coffee with a view. और view मतलब यही view के पैसे का है। सेंटरिनी का अगर मैप आप लोग देखें ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये एक चांद की तरह का मैप है। तो ऐसा लगता है क्रेसेंट, तो ऊपर का जो टिप बिल्कुल नॉर्थ हिस्सा है वहाँ पे ईया है, तो वहाँ पे पिक्चरस्क और ये पोस्ट कार्ड वाले जो घर आप देखते हैं सारे, वो सारे जो हैं वो वहाँ बाकी हैं। उसके अलावा बीच में अगर आप लोग आएँ तो वहाँ पे टाउन सेंटर है फीरा का, जहाँ पे सारी मतलब दुकानें बनी हुई हैं खाने पीने की, जहाँ पे बुटीक शॉप्स हैं। और अगर आप वहाँ से बिल्कुल नीचे की तरफ आएँ तो वहाँ पे आपको मिलेगा ये, तो ये व्यूज वही हैं, ये जगह वही है, ये शहर वही है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक तो ये टूरिस्टी नहीं है, यहाँ पे शोर शराबा और हल्ला गुल्ला उतना नहीं है जितना ईया में है, क्योंकि वहाँ पे मेन पूरा जो इन्फ्लक्स होता है टूरिस्ट का वहाँ जाता है। यहाँ पे थोड़े से एल्डरली लोग जो है वो आके यहाँ पे रिलैक्स करते हैं, चिल करते हैं। लेकिन सबसे जो फिट चीज़ है वो है ये हमारे पीछे जो आप लोग वाइट वॉश हाउसेज देख रहे हैं, सारे मेरे ख्याल से सफ़ेद रंग के हैं। क्या व्यूज़ हैं। After spending a few hours at Amiravigli, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सेंटरिनी है और अभी हम ईया भी नहीं पहुंचे जो कि चेरी ऑन टॉप होगी। As it was approaching sunset, I was becoming more and more impatient of our dream sunset moment at ईया. तो फिर हमने अल्लाह हाफिज़ किया इमरविगली को एंड वी मेड आवर वे अक्रॉस। यहाँ की जो सबसे अलग चीज है, मतलब सारी चीजें यहाँ की बहुत यूनिक और बहुत मुनफरिद है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ यह है कि यहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ बनी हुई हैं और वहाँ पे इस तरह की मतलब उन्होंने स्टेप्स बनाए हुए, सीढ़ियाँ हैं, तो क्लाइंब डाउन करके आप नीचे जा सकते हैं या जाहिर ऊपर आ सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ जो है वो इस तरह के व्यूज होते हैं। सो इट इज़ क्रेजी बिकॉज अगर आपको कोई रेस्टोरेंट मिल जाए या कोई गली ऐसी मिले जो प्राइवेट ना हो, आपका जैकपॉट लग जाएगा बिकॉज आपको फुल मतलब दिस इज व्हाट यू कम हियर फॉर। स्टनिंग आइसक्रीम लेना मत भूलना। तो
Ea Castle is like one of the main sunset spots और highly वो popular है, उधर बहुत rush हो जाता है especially शाम के वक्त. लेकिन एक और spot है which is like probably 2 or 3 minutes walk from the Ea's Castle, और वो spot जो अभी हम आपको दिखाएंगे is way better. अच्छा, इतना मज़ेदार scene हुआ. अभी हम लोग यहाँ पहुँचे तकरीबन 4:30 या 4:15 तक शाम के, उस वक्त rush नहीं था, कोई नहीं था यहाँ पे. और उसके 15 या 20 मिनट बाद एकदम से पता नहीं, मुझे लग रहा है कोई ट्रक आया है और वो उलट के गया है सारे लोगों को यहाँ पे. 1000 लोगों का ट्रक. दो स्पॉट्स हैं, वन इज द Ea Castle व्हिच इज लाइक राइट एट द डिस्टेंस. Secondly is this spot right here, जहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं होते और आपको ब्लू डोम्स नज़र आते हैं. तो Ea Castle से आपको ब्लू डोम्स नहीं नज़र आएंगे, because the sunset is usually the other side. Right here, which is a secret spot जो हम description में बताएंगे कहाँ पे. You can actually see the blue domes. There's two right in front of us. There's one actually behind us. And this gully, which is the best gully over here. So you have to come here if you come to Santorini. Ισκρινούς που λέλαπες παγωμένη πνέωση και χιολευκή. Πίνα λέει κρόζοντες εις θανάτους πλέωση αέτη κακή. Church is a significant hissa hai Santorini ki, because the Aegean Sea is blue, the sky is blue. That's why they make sure that inke domes hi blue aur sari buildings white ho. It really does stand out, and main recommend karungi ki is blue dome church se start kare, and then there are going to be plenty on the way, but this is the most significant one. Μάτι να στρέψω πάντα που το βλέμμα μου φίλο να είδω. Μάτι να κελάδισα πάντα που το αίμα μου θέλω σύνεδο. तो नंबर वन बकेट लिस्ट चीज़ जब आप सैंटोरिनी आए इज़ अ सैंटोरिनी सनसेट, बिकॉज सैंटोरिनी सनसेट जैसा सनसेट ज़िंदगी में आपको कभी नहीं मिलेगा. तो सनसेट में तकरीबन 20 मिनट रहते हैं, एंड वी हैव स्टार्टेड आवर वॉक फ्रॉम द ब्लू डोम चर्च. और अब ये छोटी छोटी गलियाँ हैं, देयर इज़ जस्ट सो मच टू एक्सप्लोर. तो भैया, अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि दुनिया में और कई ऐसी जगहें जहाँ पे बड़ा खूबसूरत तरीन इस तरह का सनसेट होता है, तो मेरे ख्याल से आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा सनसेट मेरा नहीं ख्याल कहीं दुनिया में किसी भी हिस्से में हो सकता है या किसी भी कोने में हो सकता है. तो सेंटरीनी हरा दिया यार आपने, बाकी सारी जगहों को पीछे छोड़ दिया है, और यह छा गई है जगह. यहाँ पे एक नई नवेली दुल्हन जो है अपना फोटो शूट करवा रही है, कितना फिट लग रहा है, और इतने प्यारे व्यूज हमारे पीछे हैं. सेंटरीनी ने भाई दिल जीत लिया हमारा यार. We are definitely having a second honeymoon here, like 7 years later of our wedding, but it's so amazing. बाकी कौन सा पिज्जा है? मार्गरीटा? Yes! मार्गरीटा. बोलो मार्गरीटा. नहीं नहीं नहीं, अबे मार्गरीटा. कह रहे होंगे कि तानी भाई किन ख्यालात में घूमे हैं, तो तानी भाई बहुत ही गहरे ख्यालात में घूमे, क्योंकि मुझे अपने शादी के दिन याद आ गए. हम लोग हनीमून के लिए पाकिस्तान गए थे, और मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि पाकिस्तान हनीमून के लिए अच्छी जगह नहीं है, लेकिन काश आप ऐसी किसी जगह पे आके अपना हनीमून करो आराम से, बगैर बच्चों के, बगैर किसी टेंशन. Oh, yes. बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको रिलैक्स करने का टाइम मिलता है, इस तरह के
पीसफुल और इस तरह के खूबसूरत नजारे एंजॉय करने का टाइम मिलता है। क्या जगह है यार, क्या जगह है। और ये बिल्ली देखे आराम से आ रही है। बिल्ली को भी कोई टेंशन नहीं है ना यहाँ, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि हनीमून के लिए कहाँ जाया जाए और बजट है आप लोगों का, यहाँ आके हनीमून तो करें यार। मतलब एक शादी करें और यहाँ आके हनीमून मनाएं, मजा आ जाएगा कसम से। चलें। क्या हो रहा है भाई? One thing I find really interesting, especially Europe में, इसके जो restaurants हैं उनकी chairs like जैसे लोग बैठे होते हैं they don't face themselves, they face the front. और आप people watching कर सकते हैं या आप view enjoy कर सकते हैं। और आज रात हमारा view IA का ये beautiful white washed houses का है, which is like crazy. This रात में अलग views है, it's like really nice and lit up. मतलब दिन में तो लगता ही है खूबसूरत, लेकिन रात में जाहिर है जब वो lights on हो जाती हैं तो एक अलग ही मंजर पेश कर रही होती है पूरी जगह। There's so many restaurants, there's so many cafes. हमने सोचा कि कॉफ़ी वगैरह यहाँ से पियेंगे, so we are at Mezzo Cafe, जो कि it's every single cafe has the best view ever. You can stop at any, ये वाला अच्छा रेटेड है, so we came here for a delicious latte. अच्छा, इतना रश मतलब है, लोग हैं यहाँ पे, लेकिन उतना रश नहीं है जितना मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था या जितना मुझे लग रहा था कि लोग होंगे। मे बी बिकॉज हम लोग शोल्डर सीजन में आए, क्योंकि अब सर्दियाँ तकरीबन शुरू होने वाली हैं, अक्टूबर का एंड है और ये टाइम अच्छा भी है। हाँ, फॉर अस जैसे हम मेलबर्न में हमने टाइम गुजारे तो हमारे लिए ये ठंड नहीं है। और इवन मतलब अगर आप स्मार्ट ट्रैवलिंग करना चाहते हैं या बजट थोड़ा सा आप बजट कंस्ट्रेंड हैं तो ये बहुत फिट टाइम है आने के लिए। मतलब सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, सारी जगहें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और पैसे भी आपको मतलब अकोमोडेशन थोड़ा सा रीजनेबली प्राइस्ड होता है। अच्छा, मेरे दिमाग में ये था कि सैंटोरिनी इज लाइक एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव वन नाइट। आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन यू। हाँ, आने से पहले हमने यही सोचा था कि यार सैंटोरिनी, और सुना भी हमने यही था कि यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगी बहुत है, अकोमोडेशन है, खाना पीना है, रहना है, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत महंगी हैं। इवन मतलब अगर आप एक दिन के लिए गाड़ी रेंट करें तो वो बहुत महंगा है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ी सी स्मार्ट ट्रैवलिंग करें, अपनी रिसर्च पहले से कर लें, थोड़े से लोगों के जो पहले आ चुके हैं यहाँ पे उनके ब्लॉग्स पढ़ लें या रिव्यूज़ पढ़ लें, तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमने यहाँ पे दो रातें बुक की हैं। शुरू में हमें एक होटल पसंद आया, वो तकरीबन $500 का था फॉर टू नाइट्स। और उसके अलावा मतलब जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कि तकरीबन $1500 फॉर टू नाइट्स हैं, उससे ज़्यादा के भी हैं। लेकिन आखिर में हमें एक बहुत अच्छा, ये जो IA है इससे तकरीबन 25 मिनट्स दूर अकोमोडेशन मिला, और वो हमें $100 फॉर टू नाइट्स, और उसका नाम है अगापी विला। तो इससे अच्छा बार्गेन मेरे ख्याल से सेंटोरिनी में मतलब दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। पाकिस्तान में हमें कम से कम जो एक रात के लिए जगह मिलती थी वो 5,000-4,000 से। एग्जैक्टली, हम सेंटोरिनी में बैठे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह की लग्जरी इंजॉय करें, बिल्कुल मतलब ओशन व्यू हो, इन्फिनिटी पूल हो और मतलब लग्जरी में रहें, तो जाहिर है फिर आप पैसा दें और उसके साथ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप, क्योंकि मेन टाइम आपका पूरा जो गुजरता है वो बाहर गुजरता है, आप जिस जगह जाते हो आप उस जगह को एक्सप्लोर करते हो, होटल में आप खाली सोने के लिए आते हो, तो इसलिए बेवकूफ़ी है कि हम लोग होटल बहुत महंगा वाला लें। और हम लोग वैसे भी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा मेरे ख्याल से मज़ेदार चीज़ यही होती है कि हम लोग थोड़ा सा रोम अराउंड करें, स्ट्रोल अराउंड करें, एक्सप्लोर करें जगहों को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के कल्चर को। तो ये आइडियल था हमारे लिए। और किसी भी जगह जाएं, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, अगर थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करें और रिसर्च करें पहले से, तो आपको बहुत अच्छी डील मिल जाती है। कॉफ़ी इंजॉय करते हैं, बड़े मज़ेदार किस्म का मौसम हो रहा है यहाँ पे। Man, this food smells delicious. और पानी के करीब ऑफ कोर्स यू गॉट टू हैव फिश, यू कैन नॉट लाइक मिस द फिश। तो भैया हमारे साथ बड़ा मजेदार सीन हुआ। हम लोग मौजूद हैं इस टाइम पे एक हलाल रेस्टोरेंट में और इसका नाम है लिक द ग्रिल, और बहुत हाईली रिव्यू थी, तो हमने बोला चलो यहाँ पे जाके। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ट्रेडिशनल भी खाना मिल रहा है। मैंने यहाँ पे गायरोज मंगवाया चिकन में, इंतजाल ने फलाफिल में लिया, इंतजाल ने लिया है योगी से, वो इसके बिल्कुल साथ बना हुआ है। Yeah, but this place is way better. हाँ, और
योगी का जो फलाफल रैप है जो गायरोज है वो तो बहुत मजे का, लेकिन ये चिकन वाला जो है ये कमाल है। लेकिन इसमें खाली एक चीज की कमी है, वो ये कि इसमें मिर्चें कम है। तो ये जो रेस्टोरेंट है निक द ग्रिल, इट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ लाइक द मेन स्ट्रीट ऑफ फेरा, और ये फेरा टाउन सेंटर भी इसका नाम है। एंड देयर आर सो मेनी रेस्टोरेंट्स हियर, सो मेनी शॉप्स हियर। जब ऐसे नज़ारे आपके सामने हो तो आपका बिल्कुल दिल नहीं चाहता उस जगह को छोड़ के जाने का, खास तौर पे अगर सेंटरिनी में आप लोग मौजूद हो। प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर वीडियो, एंड ऑन दैट नोट वी गोना से गुडबाय। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है इन डोम्स को छोड़ के जाने का, ये जो खास तौर पे पीछे हमारे ब्लू डोम्स हैं, लेकिन जाहिर है हमें जाना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, और सेंटरिनी तो हमने देख लिया है, तो हम चलते हैं किसी और आइलैंड। नाम क्या है उसका? नेक्सस। Sanre beti sa nyabra gyanas.